रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। नफरत भुला दूं, वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों का खामियाजा बॉलीवुड को अक्सर अपनी फिल्मों पर प्रतिबंध के रूप में भुगतना पड़ता है। पहली बार भारत पाक युद्ध के दौरान 1965 में प्रतिबंध लगा था, जो 2006 में हटा तो जरूर, लेकिन समय समय पर सियासत इसमें अड़ंगा लगाती रहती है। बॉलीवुड की फिल्मों पर पाकिस्तान की नजरें कब और किस बात को लेकर और क्यों टेढ़ी हो जाए कहना मुश्किल है। देश प्रेम से सजी खासकर भारत पाक की सियासत युद्ध विभाजन की त्रासदी आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर आधारित भारतीय फिल्मों को तो पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिलती है। आइए जानते हैं पाकिस्तान में प्रतिबंधित बॉलीवुड की अनगिनत फिल्मों के बीच कुछ ऐसी ही चुनिंदा देशभक्ति फिल्मों के बारे में। पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों पर लगने वाले बैन का हालिया शिकार इस साल रिलीज आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म राजी रही। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बनके पाकिस्तान में। आसमान देख रहे होंगे और हम उनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी राजी पर पाकिस्तान का आरोप था कि फिल्म में पाकिस्तान की नकारात्मक छवि दिखाई गई है। सेना की पृष्ठभूमि पर बनी और 2018 की ही रिलीज मनोज बाजपेयी की अय्यारी के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने अपने यहाँ इसकी रिलीज पर रोक लगा दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट की कहानी पर आधारित सलमान खान की टाइगर सीरीज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पाकिस्तान में रिलीज की अनुमति नहीं मिली। 2012 में रिलीज एक था टाइगर और 2017 में रिलीज टाइगर जिंदा है को पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। एजेंट टाइगर और एजेंट जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। दो हजार सत्रह में ही रिलीज विद्या बालन की फिल्म बेगम जान भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई। विभाजन की पृष्ठभूमि होने के चलते पाकिस्तान ने अपने यहाँ इसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। रिकॉर्ड कमाई करने वाली आमिर खान की दंगल पर भी पाकिस्तान ने बैन लगाया था। कुश्ती जैसे खेल के जरिए देश से प्रेम करना सिखाती 2017 की रिलीज फिल्म में इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान पर पाकिस्तान को आपत्ति थी। दो हजार सत्रह की ही एक और रिलीज तापसी पन्नू स्टारर आतंकवाद पर बेस्ट नीरज पांडे की फिल्म नाम सबाना भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई। पाकिस्तान का आरोप था कि फिल्म में उसके देश की गलत छवि दिखाई गई है। उन्नीस सौ छियासी के कराची हवाई अड्डे से हाईजैक हुई पैन एम फ्लाइट 73 की रियल स्टोरी पर बेस्ट डायरेक्टर राम माधवानी की 2016 में आई मिर्जा भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई। आरोप वही कि फिल्म में पाकिस्तान की छवि गलत दिखाई गई है। अक्षय कुमार राणा दुगुबुती और तापसी पुन्नू स्टारर 2015 में रिलीज नीरज पांडे की बेबी को पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने अपने यहाँ रिलीज की अनुमति नहीं दी। आतंकवाद पर आधारित इस फिल्म को भी पाकिस्तान ने अपने खिलाफ माना था।
आतंकवाद पर बेस्ड और 2015 की ही रिलीज एक और फिल्म बंगिस्तान भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई। आतंकवाद पर बेस्ड फैंटम 2015 की तीसरी ऐसी फिल्म थी जिस पर पाकिस्तान ने अपने यहाँ प्रतिबंध लगाया था। इस फिल्म पर बैन के लिए मोस्ट वांटेड और जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद ने कोर्ट में याचिका भी डाली थी। कश्मीर में जारी आतंकवाद के मुद्दे पर आधारित 2014 में आई विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर को भी पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। ২০১৩ में आई भाग मिल्खा भाग को भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ रिलीज की मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान की आपत्ति फिल्म में विभाजन के दौरान दिखाए गए हिंसा को लेकर थी। श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनी और 2012 की रिलीज फिल्म एजेंट विनोद भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकी। आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तानी अफसर की मिलीभगत को दिखाया गया था। इनके अलावा कई ऐसी फिल्मों को भी पाकिस्तान अपने यहाँ बैन कर चुका है जिनमें कश्मीर, पाकिस्तान, आतंकवाद आदि का हल्का सा भी जिक्र हुआ है। जाहिर है बॉलीवुड फिल्मों का अपने देश से प्यार करना सिखाना पाकिस्तान की सियासत को रास नहीं आता है।